तो ये है दोस्तों Redmi का Redmi 9 Power और आज हम बात करेंगे कि MIUI 12 में फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, थीम चेंज कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपका जो ये लेटर वगैरह है कैसे चेंज होता है, डिजाइन कैसे आपको देखने को मिला, बहुत सारे उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत सारे व्यूअर्स को पता होता है, जिन वीडियोस को पता है वो ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको जानना है कि MIUI 12 में कैसे फॉन्ट चेंज करते हैं, लेटर कैसे चेंज करते हैं, देखते रहिए इस वीडियो को। तो फॉन्ट और थीम चेंज करने के लिए दो जगह से आप जा सकते हैं। पहला तो है ये देखिए, यहाँ पे ऊपर में स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है थीम का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको थीम मिल जाएगा, बहुत सारे आपको यहाँ पे थीम देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस को डाउन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको थीम देखने को मिल जाते हैं। और MIUI 12 में ये एक अच्छी बात है कि फ्री और प्रीमियम दोनों मिलते हैं, फ्री भी बहुत सारे मिलते हैं, रियलमी केस में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ये क्योंकि पुराना है, बहुत पुराना OS है ये, तो इसीलिए बहुत सारे आपको फ्री का थीम देखने को मिल जाती है। ये देखिए फ्री है यहाँ पे, और ये जो प्रीमियम लिखा गया है ये पैसे वाले है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं थीम को और फॉन्ट को, फॉन्ट भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। और जो दूसरा तरीका है ये सबसे आसान वाला है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और जो दूसरा है वो आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है थीम का ऑप्शन, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं थीम। ये देखिए वही सेम जगह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है वो वाला पैसा वाला है, और जहाँ पे फ्री लिखा हुआ है वो वाला फ्री वाला है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये फ्री वाला है, तो बहुत सारे फ्री का ऑप्शन मिल जाता है कहीं पे भी आप जाएंगे इस तरह। और यहाँ पे ये फ्री थीम है, यहाँ पे आपको ये देखिए फ्री ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करेंगे रिबूट करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा। रिबूट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे चारों तरफ ये अप्लाई होता है, यानी कि होम स्क्रीन में, सेटिंग में, सब में अप्लाई होता है, इसलिए रिबूट करने से ठीक से चल जाता है। तो यहाँ पे इसको सिर्फ सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद थीम आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन जो चीज़ है वो है फॉन्ट कैसे चेंज करना है, क्योंकि थीम तो आपको पता चल रहा है, ऊपर में ही देख रहे हैं, आप कर सकते हैं। फॉन्ट कहाँ है, तो फॉन्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए आपको टी बटन एक मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टी का सिंबल है। बहुत सारे व्यूअर्स को मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे टी का फॉन्ट आपको देखने को मिल रहा है, टी और फॉन्ट लिखा हुआ है, तो उसको क्लिक करना है टी को। और जैसे आप टी को क्लिक करेंगे ये देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फॉन्ट का, भरपूर मात्रा में आपको फॉन्ट देखने को मिल जाता है। अब ये फॉन्ट को अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे बहुत सारे आपको सिलेक्टेड कैटेगरी वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप जो चाहे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये वाला इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, तो इसको करते हैं इंस्टॉल। तो ये देखिए यहाँ पे बता दे रहा है कि किस तरह का आपको फॉन्ट देखने को मिलेगा अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ये प्रीव्यू दे दिया है, आप हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे फ्री है, डाउनलोड कर देते हैं, ये डाउनलोडिंग हो रहा है, ये देखिए डाउनलोडिंग हो चुका है। आप इसको अप्लाई करते हैं, ये जैसे अप्लाई होगा ये रिबूट के लिए मांगेगा, एक बार हम रिबूट करते हैं और उस टाइम के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसे बताया कि रिबूट होने पे सब में अच्छी तरह से ये अप्लाई होता है। तो रिबूट कर देते हैं हम, तो ये देखिए रिबूट हो रहा है, और जैसे ही रिबूट होके ये ऑन होगा पूरी तरह से अप्लाई हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए ये रिबूट हो चुका है, MIUI लोगो आ चुका है। अब जैसे ये ओपन होगा आपको दिखा दूंगा कि जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका होगा, डिजाइन वाला फॉन्ट आ चुका होगा, अभी से पता चल रहा है कि आ गया। ये आप देख सकते हैं इसका लेटर चेंज हो चुका है, एक बार आपको सेटिंग में जाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट चेंज हो चुका है, डिजाइन वाला फॉन्ट आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर पाएंगे फॉन्ट को। किस तरह करना है, तो सेटिंग में आना है, या फिर जो यहाँ पे है थीम, यहाँ पे थीम लिखा हुआ है, इसमें भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको सेटिंग में जाना है तो आप यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना, और यहाँ पे आप जा सकते हैं थीम में। थीम में जैसे पहुंचेंगे ऊपर में आपको ये सब थीम मिल जाता है। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो एक बार आपको और एक बार दिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी लिखा हुआ है, टी को आपको टच करना है और यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल गया। जो भी चाहे फॉन्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक करना है, फ्री है,
डाउनलोड करना है, उसके बाद अप्लाई करेंगे, रिबूट का ऑप्शन मांगेंगे, जैसे ही रिबूट करेंगे ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो था कि सिर्फ बताना चाहता कि थीम और फॉन्ट MIUI 12 में कैसे चेंज करते हैं। ये कोई भी MIUI 12 का अगर फोन होगा, मान लीजिए Redmi 9A भी है तो उसमें भी काम करेगा, और जो भी पोको का जो अगर MIUI 12 वाला फोन है, पोको M2, पोको M3 जो भी है उसमें सब में ये काम करेगा, तो किसी में भी काम कर सकता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर पसंद आया, बहुत पसंद आया, तो जरूर से लाइक कर देना, लाइक बटन भी आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।